नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आई वीरा टाइम्स। इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद हैं उनको किसी भी पहचान की मोहताज बिल्कुल नहीं है। बच्चे हो या बूढ़े, सबको उनके बारे में पता है। भैया हम लोगों को पता है, लोगों को पता है, और कौन है किस बारे में बात कर रहे हैं भाई, सीधे आपको दिखा देते हैं। क्योंकि आप देखते ही साथ सबसे पहले तो आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी और कहेंगे अरे भाई इन्हें तो हमने देखा हुआ है। तो सबसे पहले स्वागत करिए के गोस्वामी जी का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। अरे भाई इन्हें तो मैंने देखा हुआ है। नहीं मैंने आपको देखा है। और सर कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, और अभी आप लोग आए तो आप लोगों को देखकर और अच्छा लग रहा है। जैसे कि के गोस्वामी, मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है के का फुल फॉर्म क्या है? कृष्णा कांत गोस्वामी। क्योंकि कभी कोई कहता है कृष्णा कुमार, कोई कहता है किशन कुमार, तो मैंने सोचा मेरी सबसे पहले मुलाकात होगी, सबसे पहला सवाल यही रहेगा। तो सर जैसे कि अगर शुरुआत से शुरू करें तो कैसा सफ़र रहा आपका, कितना हार्ड वर्किंग रहा, कितना स्ट्रगल रहा? शुरुआत से जो मेरा सफ़र है, कम से कम 200 लोगों ने इंटरव्यू किया हुआ है। ये IBN 7 से लेकर जी न्यूज से सारे जगह पर भरे पड़े हैं। हम लोग आज की बात करते हैं। Okay. तो आज की बात करते हैं, तो आज ही क्या लगता है सर कि अब वो जो स्ट्रगल्स आपने शुरू में किया, अब क्या सब चला गया? अभी लिव लाइफ किंग साइज वाला हाल है? जिंदगी स्ट्रगल संघर्ष के लिए ही बना है, और जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप धरती पर हैं, जीवित हैं, तो आपको स्ट्रगल करते रहना है। और ये स्ट्रगल अंतिम सैया पर जब लेटता है इंसान तो ही ख़त्म होता है। हम लोगों का और फिल्म वालों का तो स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होता है। आज भी अमित साहब स्ट्रगल कर रहे हैं और के गोस्वामी भी स्ट्रगल। क्या बात है सर। तो हम अगर आपसे बात करें तो बहुत से टीवी सीरियल्स में भी मैंने आपको देखा हुआ है, फिल्मों में देखा है, फिर भोजपुरी का रुझान कब से हुआ सर, कैसे हुआ? भोजपुरी का रुझान भोजपुरी से ही, मैं बॉम्बई फिल्म लाइन में आया था। मेरी पहली फिल्म थी भोजपुरी। मुजफ्फरपुर के डायरेक्टर थे, हैं कुमार विकल जी, उनकी फिल्म किया था। और उसके बाद और भी 3-4 भोजपुरी किया। उसके बाद हम बॉम्बे आ गए, और बॉम्बे आने के बाद हमने बहुत सारे सीरियल, हिंदी फिल्में वगैरह किया, और आज फिर भी अभी भी मैं भोजपुरी कर रहा हूँ, हिंदी भी कर रहा हूँ, बहुत सारे वेब सीरीज़ कर रहा हूँ। मैंने गुजराती फिल्म किया है, मराठी फिल्म किया है, और अभी बस लगातार काम किए जा रहे हैं, स्ट्रगल किए जा रहे हैं, लगे हुए हैं। अब हमें और कौन से कैरेक्टर देखने को मिलेंगे आपको, और कौन कौन सी फिल्में में देखने को मिलेगा, या फिर हमें पुराना टीवी में कभी देखने को मिलेगा? जैसे कि इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर आपने टीवी पे भी दिए, हम लोग जब छोटे थे हम लोगों ने बहुत देखा है, और अब के बच्चे आपको कब टीवी पे देखेंगे? बच्चों के लिए वेब सीरीज आ रहा है, बहुत प्यारा वेब सीरीज है, मेरे कई वेब सीरीज हैं और बहुत जल्द आ जाएंगे सब। कुछ वेब सीरीज है जो मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, वो बड़े लेवल पे है, वो लोग खुद जब पब्लिसिटी शुरू करेंगे तब हम लोग उसके बारे में बोलेंगे। और फिल्में कर रहा हूँ, गुजराती फिल्में मैंने किया है, मराठी फिल्में किया है, और भोजपुरी कर रहा हूँ, हिंदी भी कर रहा हूँ। तो एक एक फिल्में आती रहेंगी, आप सबको पता चलता रहेगा। इसी मीडिया आपके आईवीरा के न्यूज़ चैनल पर जब आप देखेंगे, हम लोगों का सारा डिटेल यहां से आपको पता चलता रहेगा। इसका सर का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि हम पता ही आपको कि ऑन लोकेशन पे है और सर का भी शूट लगा हुआ है। तो सर लास्ट में हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए क्या कहना? बस जिंदगी जीने का नाम है, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जैसा कि कहा गया है, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं तो मुस्कुराइए, आप भारत में हैं। क्या बात है भाई। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। तो भाई ये थे हमारे साथ के गोस्वामी जी, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और जैसा उन्होंने बोला कि स्ट्रगल हमेशा हम लोगों का चलता ही रहता है। तो बस और मुस्कुराते रहिए, लखनऊ में हो या भारत में, मुस्कुराते रहिए, और आई वीरा टाइम्स देखते रहिए।